तो दोस्तों सुबह के अभी 9 बजे हुए हैं और हम लोग जो है वो ग्वालियर से निकल गए हैं आगरा के लिए। सबसे पहले हम लोग जाएंगे आगरा और उसके बाद आगरा को घूमकर उसके बाद ही हम लोग वृंदावन के लिए निकलेंगे और वृंदावन में रात स्टे करेंगे और सुबह फिर मथुरा घूमेंगे और मथुरा घूमते हुए फिर वापस से अपने घर के लिए निकल जाएंगे। और दोस्तों जो ग्वालियर से आगरा का डिस्टेंस है बाय रोड वो करीब करीब 121 किलोमीटर पड़ता है और उसके बीच में आपको मुरैना भी जिला देखने मिलेगा एमपी का और राजस्थान का ढोलपुर भी देखने मिलेगा। मतलब 3 स्टेट आपको देखने मिल जाएगी एमपी यूपी और राजस्थान। तो दोस्तों आप ये जो सामने गेट देख रहे हैं इसे आप एंट्री और एग्जिट दोनों गेट कह सकते हैं ग्वालियर की, क्योंकि ये जो है ये लास्ट एरिया है ग्वालियर का। अब यहाँ से जो है वो ग्वालियर खत्म हो चुका है फाइनली। अब अपन जो है वो ग्वालियर से निकले हुए हैं करीब करीब 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर चलने के बाद ही ग्वालियर खत्म हुआ था, जबकि हम लोग ऑलमोस्ट बाईपास वाले एरिया में थे जो रूम था फ्रेंड का। वैसे दोस्तों आगरा तक जाने के लिए जो रोड बनी हुई है वो बहुत ही अच्छी बनी हुई है, यही वजह है कि हम लोग जल्द से जल्द जो है वो डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। जैसे हम लोग मुरैना जो है वो जल्दी से जल्दी कवर करके पहुंच चुके हैं। वैसे दोस्तों ये जो पूरी राइड है मैंने पहले जो करने की सोची थी उस टाइम मैंने ये चीज सोचा था कि हम लोग ये जो है ग्वालियर भी पूरा घूमेंगे, लेकिन जो टाइम की वजह से हम लोग जो काफी लेट निकले और फिर लेट यहाँ पर पहुंचे भी और अभी भी लेट निकले ही हैं, तो उस वजह से हम लोगों ने ग्वालियर को अवॉइड किया। किसी और टाइम पर जब हम लोग ग्वालियर आएंगे तो मैं आपको ग्वालियर घुमाऊंगा, अभी फिलहाल मैं आगरा ही आपको घुमा रहा हूँ और मथुरा वृंदावन। बाकी नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिलता है तो मैं ग्वालियर भी आपको घुमाऊंगा। बाकी दोस्तों आप लोगों से बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। अब जो है आगरा का डिस्टेंस यहाँ से 62 किलोमीटर बचा हुआ है, हम लोगों ने ऑलमोस्ट आधा डिस्टेंस यहाँ से कवर कर लिया है, तो हम लोग जल्द से जल्द इसको भी पूरा करते हैं और उसके बाद आगरा में आपको घुमाता हूँ। तो दोस्तों अब अपन जो है वो मध्य प्रदेश को छोड़कर राजस्थान में जाने वाले हैं। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये चंबल रिवर के ऊपर बना हुआ ब्रिज है और राजस्थान में अपन जैसे ही एंट्री लेंगे उसके बाद जो राजस्थान का पहला डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है वो ढोलपुर पड़ेगा और काफी सुंदर नजारा लग रहा है इस ब्रिज के ऊपर से चंबल नदी का, और काफी बड़ी नदी है और काफी अच्छा व्यू बनता है इस ब्रिज के ऊपर से देखने पर। तो दोस्तों आप ये जो मेरे राइट साइड पर एक बड़ी सी पहाड़ी देख रहे हैं इसके ऊपर एक फोर्ट बना हुआ है, इतना क्लियरली शायद कैमरे में विजिबल नहीं हो पा रहा होगा, बाकी इसकी जो हालत है प्रेजेंट टाइम पर वो इतनी अच्छी तो नहीं है। तो दोस्तों आप जब इस रोड पर आते हैं तो आप एक बात का ध्यान रखें कि आप यूपी वाले एरिया में ही पेट्रोल डलवाएं, एमपी और राजस्थान में जो पेट्रोल है वो शायद 110 रुपए है और जो यूपी में है वो 96 रुपीस का है, इसलिए आप यूपी वाले एरिया में ही पेट्रोल डलवाएं। और अभी जो है वो अपन आगरा आ चुके हैं, ये आगरा का बाईपास वाला एरिया है और अब हम लोग बाईपास छोड़कर डायरेक्ट अंदर वाले एरिया में आ चुके हैं। और दोस्तों आगरा आकर हम लोग जो सबसे पहली प्लेस ढूंढ रहे हैं उसका नाम है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम लोग ने सोचा है कि पहले हम लोग कपड़े चेंज करेंगे, फ्रेश होंगे मुंह हाथ धुलकर और उसके बाद ही फोर्ट तक जाएंगे। तो दोस्तों आगरा पहुंचने में जो हम लोगों को टाइम लगा है वो करीब करीब 2.5 घंटे लगा है और अभी जो है ताजमहल पहुंचने में हम लोगों को 1.5 घंटे और लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि आज बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक भी है क्योंकि जो है वो संडे भी आज पड़ जाता है तो बहुत से लोग आज घूमने आते हैं ताजमहल को। वैसे दोस्तों संडे हो या ना हो लेकिन ताजमहल जो है वो डेली बहुत ज़्यादा लोग घूमने आते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग ताजमहल पहुंचने ही वाले हैं, तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो पर जहां पर मैं आपको पूरा ताजमहल घुमाऊंगा।